Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK. Guidance and knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फॉर्म फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ हर उस एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है. चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल डे के साथ में. आज का हमारा स्पेशल डे है. वैसे तो हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए स्पेशल हो जाता है अमेरिकन के लिए. 4th of July 1776 को अमेरिका है वो आज़ाद हो गया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था. तो यही था आज का खास डे. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में. इसमें बताना हमें प्राइमरी सोर्स क्या है ब्लैक कार्बन का. वुड बर्निंग, कुक स्टोव, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर डीजल इंजन. इनमें से कौन से स्टेटमेंट, कौन सा कोड है वो करेक्ट है वो हमें भी बताना है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिर सभी के सभी. तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी इंक्लूड होते हैं, इसके प्राइमरी सोर्स होते हैं. एक टीम है रिसर्चर की, उन्होंने रिसेंटली स्टडी कंडक्ट की है कि ब्लैक कार्बन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर. तो उसके अंदर बताया गया है कि इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ भी देखने को मिलती है. और इंडो गैंगेटिक प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो ब्लैक कार्बन है वो सीरियस इम्प्लीकेशन होती है उसकी, और उसकी वजह से जो रीजनल क्लाइमेट है वो भी चेंज हो जाता है, और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है. के अंदर जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रही है, और इसका ज़्यादा हज़ार इम्पैक्ट पड़ते हैं जिसको इसकी इसे अगर किसी इसे हेल्थ हज़ार के अंदर इसकी कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं तो इसे इपोडोमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो भी की जाएंगी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट है उसको काफ़ी सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने की के अंदर हेल्प मिलेगी. और जो ब्लैक कार्बन है वो नेचुरल और मैन मेड दोनों ही तरीके से बनता है. इसके अंदर जो मेन रीज़न है वो क्या आता है, इसके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और जो हमारे जो बायोफ्यूल्स हैं और बायोमास हैं, अगर उनका हम इनकम्प्लीट कम्बस्टन करते हैं तो उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा कि ये ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाता है. और इसके प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? डीजल इंजनस हैं, कोक स्टोव हैं या फिर वुड बर्निंग है, और फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगलों में आग लग जाती है, उसके बारे में बता रही है. और ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है, मतलब इसकी जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा नहीं होती है, ये बहुत ही कम जिंदा रहती है, लेकिन फिर भी ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में, वो जो हमारी पृथ्वी है उसको गर्म करने में ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न बनती है. फिर चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के बारे में. ये एक आउटकम और आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है. इसके अंदर इंसेंटिव सिर्फ तभी दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को जब वो गुड्स को बनाएगा. ये स्कीम है, इसके अंदर कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5 to 7 years के लिए. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें ये बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट हैं. इसके बारे में देख लेते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने अभी अप्रूव किया है 14 एप्लीकेशंस को किसके अंडर? प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के अंदर, जिसके लिए जो हार्ड पावर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा. उसके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिसे हम PCs बुलाते हैं, और सर्वर्स हैं. ये स्कीम है जो प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है इसका पर्पज़ क्या रखा गया है? इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको, और अट्रैक्ट किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी वैल्यू चेन के अंदर, जो IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर. और ये एक आउटकम और आउटपुट बेस्ड स्कीम है, जिसके अंदर इंसेंटिव्स हैं वो तभी दिए जाते हैं जब मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है. और इसके अंदर जो कैश इंसेंटिव है वो 5 to 7 years के लिए प्रोवाइड किया जाता है. ओवरऑल क्या किया जाता है इसके अंदर? जो सनराइज है, मतलब कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो मैन्युफैक्चर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर इसे यूज़ किया जाएगा. और ये सेक्टर हैं कवर करेंगे स्कीम को, जिसके अंदर क्या कवर किया जाएगा? जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं या फिर एडवांस केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और जो सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग है उनको भी ये कवर करेगा. फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम रिसेंटली देखने को मिली है उसके बारे में. ये पहली बार हुई थी, ये बायनियल है, और ये इवेंट पहली बार हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा 2008 के अंदर किया गया था. और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम ये भी इसके मेंबर हैं इस फॉर्म के. और रिसेंटली 7th एडिशन है
इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का वो होस्ट किया गया है फ्रेंच नेवी के द्वारा रीयूनियन आइलैंड के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट है ये बायनियल इवेंट है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा 2008 के अंदर शुरुआत की गई थी। इसकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम इसके मेंबर्स हैं इस फॉर्म के, और रिसेंटली इसका 7th एडिशन है जो कि होस्ट किया गया है फ्रेंच नेवी के द्वारा रीयूनियन आइलैंड के ऊपर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमें करेक्ट है ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी स्टेटमेंट है, वो एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, जिसे हम इन शॉर्ट IONS बुलाते हैं। ये रीजन के अंदर जो छोटे छोटे बिल्कुल स्टेट्स हैं जिन्हें हम जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, किसके लिए? ताकि जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है और जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। और 7th जो एडिशन है इसका, वो अभी अभी होस्ट किया गया है फ्रेंच नेवी के द्वारा रीयूनियन आइलैंड के पास में। रीयूनियन आइलैंड है वो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है वो, इसके अंदर है। इस फॉर्म के अंदर 24 मेंबर्स हैं टोटल जो कि इंडियन ओशन के अंदर रिलाई करते हैं, और 8 ऐसे मेंबर हैं जो ऑब्जर्वर मेंबर हैं इसके। और ये सर्व करता है किस किस काम में? इसके अंदर जो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलता है तो ये उसके अगेंस्ट भी काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाती है, और डिजास्टर रिलीफ का काम भी किया जाता है। इसकी चेयरमैनशिप है वो इंडिया के द्वारा 2008 से 2010 के बीच में होस्ट की गई थी, और फिर UAE के द्वारा 2010 से 2012 के अंदर होस्ट की गई थी, फिर साउथ अफ्रीका के द्वारा 2012 से 14 के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2014 से 2016 के बीच में, बांग्लादेश के द्वारा 2016 से 2018 के बीच में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसके द्वारा 2018 से 2021 के बीच में चेयरमैनशिप हट की गई थी। और अब जो फ्रांस है वो अज्यूम कर रहा है चेयरमैनशिप 2021 के अंदर, और ये 2 ईयर का टेन्योर होता है इसका, वो तो आपको आइडिया लगेगा देख के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है अंबेडकर मेमोरियल का और कल्चरल सेंटर का, तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, कहाँ पे बनाया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लखनऊ, ये यहाँ पे बनाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है अम्बेडकर मेमोरियल और कल्चरल सेंटर का लखनऊ के अंदर। ये सेंटर है, ये कितने एरिए के अंदर कवर करेगा? ये 5,493.5452 स्क्वायर मीटर के अंदर बनाया जा रहा है। और ये किसके सामने बनाएगा? ये ऐशबाग जो ईदगाह है ये उसके सामने बनाया जाएगा। इसके अंदर जो 25 फीट हाइट की स्टैचू भी बनाई जाएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और ये सेंटर है, इसके अंदर कॉस्ट की 45.04 करोड़ की कॉस्ट आएगी। और ये इसके अंदर और क्या क्या है? इसके अंदर ऑडिटोरियम भी है जिसकी कैपेसिटी रखी गई है 750 लोग एक साथ उसके अंदर बैठ सकते हैं। इसके अंदर लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है, रिसर्च सेंटर भी है, पिक्चर गैलरी भी है, और म्यूजियम भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थीलचोंग आइसलैंड, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? मालदीव्स के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर, या फिर मणिपुर के अंदर? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अभी रेस्क्यू किया है एक डिस्ट्रेस्ड फिशिंग बोट को थीलचोंग आइसलैंड में रिसेंटली। और ये आइसलैंड है, ये निकोबार आइसलैंड का, ये अंडमान और निकोबार आइसलैंड की जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ता है ये आइसलैंड है। ये पार्ट है निकोबार आइसलैंड चेन का जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन के अंदर, कहाँ पे? जो बे ऑफ बंगाल है और अंडमान सी है उनके बीच में देखने को मिलता है आपको। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख भी सकते हैं, इसके इतना छोटा है कि हमें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो चलिए इसकी पूरी चेन ही देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड की चेन है पूरी, यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा थीलचोंग द्वीप, ये बे ऑफ बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI जिसे इन शॉर्ट बुलाते हैं, ये रिलीज किया गया है IHS मार्केट के द्वारा, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये INS या IHS मार्केट के द्वारा लॉन्च की गई है।
इसके बारे में देख लेते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये कंपाइल की गई है IHS मार्केट के द्वारा, और इसके अंदर जो 40 इकोनॉमीज़ हैं उनको शामिल किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर से। और IHS इसका ये ग्लोबल लीडर है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, एनालिसिस किया जाता है और सॉल्यूशन दिए जाते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मार्केट के द्वारा, मार्केट के बारे में। इसके अंदर ये सर्वे बेस्ड स्कीम है, ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है जिसके अंदर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी परसेप्शन के बारे में बताया जाता है कि उनके जो बिजनेस वेरिएबल्स हैं वो कितने चेंज हो गए हैं पिछले वर्ष के, पिछले मंथ के अकॉर्डिंग। इसका पर्पज़ क्या है? प्रोवाइड करवाना इन्फॉर्मेशन जो कि करंट और फ्यूचर के बिजनेस कंडीशंस को देखते हुए कंपनीज को डिसीजन मेकिंग करने में, एनालिसिस करने में, इन्वेस्टर्स के अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट करने में काम आते हैं। और ये कैलकुलेट कर जाते हैं सेपरेटली मैन्युफैक्चरर के द्वारा और सर्विस सेक्टर के द्वारा, और उनके कौन को कंपोजिट करके इस इंडेक्स के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीएस तुकारामी ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले। ये क्या है? कि ये नई स्पीसीज है स्नैक की, बैट की, बटरफ्लाई की या फिर जंपिंग स्पाइडर की। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। इसके बारे में जान लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, उसने डिस्कवर किया है एक नई स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर की, वो आप इस पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं। कौन से रीजन में? जो ठाणे कल्याण रीजन है उसके अंदर, जिसका नाम रखा गया है जो हमारे कॉन्स्टेबल थे तुकाराम ओंबले, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी, जो शहीद हो गए थे 26/11 का जो टेरर अटैक देखने को मिला था उसके अंदर। तो इस स्पीसीज को इनके नाम को इसके इस स्पीसीज का नाम इनके इनको ट्रिब्यूट देकर रखा गया है, उनके नाम के ऊपर रखा गया है। और इसका नाम अब क्या रखा गया है? आईसीएस तुकारामी। और इस डिस्कवरी को जो रशियन साइंस जर्नल है जिसे एंथ्रोपोडा सिलिकेटा बाय साइंटिस्ट, किस द्वारा? साइंटिस्ट ध्रुव ए प्रजापति, जॉन कैलेब, सोमनाथ बी कुंभार और राजेश स्नानब, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? हीट डॉम, ये एक फिनोमेना है जो कि स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स की को, ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स हैं वो देखने को मिलती हैं पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कुछ और कुछ पार्ट हैं ब्राज़ील के अंदर वहाँ पे। और ये फिनोमेना है, ये शुरू होता है जब स्ट्रॉन्ग चेंज होता है ओसेन के टेम्परेचर के अंदर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे ब्राज़ील नहीं, यहाँ पे कनाडा आएगा। अगर आपने पिक्चर में देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पे ये USA है, यहाँ पे कनाडा है, ये हीट डोम्स जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है? जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कुछ पार्ट हैं जो कनाडा के, उसमें रिकॉर्ड किया गया है जो टेम्परेचर वो 47 degrees Celsius तक देखने को मिला है। और ये किसकी वजह से हुआ है? हिस्टोरिक हीट वेव की वजह से हुआ है। और इस ये टेम्परेचर है, ये फिनोमेना हीट डोम कहलाता है। ये फिनोमेना कब शुरू होता है? जब स्ट्रॉन्ग चेंज होता है ओशियन टेम्परेचर के अंदर। और वो कैसे होता है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस को कन्वेक्शन भी बुलाया जाता है। इसके अंदर जो ग्रेडिएंट है वो कोज होते हैं ज़्यादा वार्म, उसकी वजह से ज़्यादा गर्म हवा आती है जो कि हीट हो जाती है ओशियन सरफेस की वजह से। और इसकी वजह से जो ओशियन का टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये कनाडा है, ये USA है, ये मैक्सिको है, ये अलास्का है, ये भी USA का ही पार्ट है। ये पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। और इसके इसी साइड में हमारा इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा YSR बीमा स्कीम, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ये किस स्टेट से रिलेटेड है हमें ये बताना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं इसको। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया था YSR बीमा को
इस स्कीम के नई गाइडलाइंस हैं उनको लाया गया है, इसकी वजह से ये दोबारा न्यूज़ में आ गई है। इसके इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो खुद डायरेक्टली पेमेंट करेगी इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस की अमाउंट है उसको फैमिलीज को, ताकि उनकी जो प्रोसेस है जो इंश्योरेंस क्लेम करने की वो और भी आसान बनाई जा सके। इसके अंदर जो सपोर्ट किया जाएगा 1.32 लाख फैमिलीज़ को, और वाईएसआर बीमा स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 750 करोड़ 2020-21 के अंदर अलॉट भी किए जा चुके हैं, और आखिरी 2 सालों में स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्पेंड किया है 1,307 करोड़। और हमें पता होना चाहिए एक बात, और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और जो हमारे गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, जो मरियप्पन थंगवेलु हैं उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ये एक पैरा हाई जंपर हैं, ये एक पैरा हाई जंपर हैं, इनको खेल रत्न भी दिया गया है, जो कि कंट्री के अंदर जो खेल के रत्न, खेल से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हैं उनके, उनका भारत रत्न ही माना जाता है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, वैसे ये एक इंस्पिरेशन बुला सकते हैं आप, यहाँ पे इनका पैर देख सकते हैं आप, ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं लेकिन फिर भी इनकी आप स्पिरिट देखिए, ये बंदा कितनी हेल्प, कितनी मेहनत करता है और इसने कितने सारे मेडल्स वगैरह जीते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इसको इन्हें, क्योंकि इनको सिलेक्ट किया गया है जो टोक्यो के पैरालंपिक्स होने वाले हैं, जो 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे, उनके अंदर ये फ्लैग जो हमारा झंडा है उसको फहराएंगे इंडियन कंटिजेंट के। ये टॉप पैरा हाई जंपर हैं, जिनका नाम है मरियप्पन थंगवेलु। वैसे आपको पता ही होगा जो हमारे साउथ इंडियन नेम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं, इनके नाम का मीनिंग तो मुझे नहीं पता लेकिन मे बी ये भी धार्मिक ही होगा। ये तो इन्हें फ्लैग बीरर के रूप में इंडियन कंटिजेंट के टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर झंडा फहराने के लिए सेलेक्ट किया गया है, जो कि 24 अगस्त से शुरू होंगे। थंगवेलु हैं, उन्होंने T42 गोल्ड मेडल जीता है 2016 के अंदर रियो के अंदर, जो पैरालंपिक्स देखने को मिले थे उसके अंदर, और उसकी वजह से इन्हें पिक कर लिया गया था 5 सितंबर को ही। उसी के अंदर इनको सिलेक्ट कर लिया गया, और इनको 25 जो हमारे जो अगस्त 24 से शुरू होकर जो सितंबर 5 तक चलने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स, उनके अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, उसके अंदर ये एक शोपीस की तरह काम करेंगे, और इन्हें पिक कर लिया गया है ताकि इनको ऑनर दिया जा सके, इनको सम्मान किया जा सके इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा नेशनल बॉडी की। ये 25 ईयर के हैं, और जिन्हें खेल रत्न भी मिल चुका है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स के मामलों में हमारा भारत रत्न है, और ये कंट्री का हाईएस्ट सपोर्टिंग अवार्ड है, सपोर्ट्स अवार्ड है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट ईयर इन्होंने 24 एथलेटिक्स पिक्ड किए, ये एक थे जो 24 पैरा एथलेटिक्स थे जिन्हें सिलेक्शन कमेटी के द्वारा पिक किया गया था टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए। थंगवेलु हैं, उन्होंने, वो कहाँ से हैं, वो सेलम डिस्ट्रिक्ट से हैं, तमिलनाडु के। वैसे ये बात गलत है कि इन्हें हम पर्टिकुलरली इन्हें जहाँ से पैदा हुए हैं वहाँ से लेकर आते हैं इनकी डिटेल्स को, हमें इंडियन बुलाना चाहिए सीधे सीधे इनको सफ़र। और इनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी है, जो कि इनकी ये जब 5 साल की थे तब एक बस ने इनका पैर है वो पूरी तरह से, जो इनका राइट पैर है घुटने के नीचे से, वो पूरी तरह से क्रश कर दिया था, इसकी वजह से इनको परमानेंट डिसेबिलिटी है, लेकिन फिर भी इनकी स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, हमें इनसे सीखना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट ये रिलीज़ की जाती है, मैंने आपसे कल पूछा था इसका आंसर क्या होगा। हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है ये माइग्रेट की।
जो हमारे माइग्रेंट लेबरेंस हैं उनके रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस रिपोर्ट को हर साल प्रेजेंट करता है। और इस रिपोर्ट का एम क्या रखा जाता है, रखा गया है कि COVID-19 पैंडेमिक के टाइम पे इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के ऊपर, और वो शिफ्ट हो गए हैं, उनके अंदर शिफ्ट देखने को मिला है। जो वर्कर्स हैं वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 169 मिलियन ग्लोबली, और जो कि अगर 2017 से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 3% बढ़ गया है। और यूथ का शेयर है माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर जो कि 15 से 24 ईयर्स की एज के अंदर होता है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है 2% से, जो कि अगर हम आंकड़ों में देखें तो 3.2 मिलियन होता है। ये भी 2017 के आंकड़े से ही कंपेयर किया गया है। COVID-19 है उसने एक्सपोज कर दिया है, बेसलेस सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और जो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है 164 से 169 मिलियन तक। इस रिपोर्ट के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन इंटेंसिफाइड है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। स्पेशली जो वुमेन माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो COVID-19 की वजह से और भी ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं उनके ऊपर, तो वुमेन के ऊपर आप समझ सकते हैं बहुत सारा पहले प्रेशर होता है। हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से जो यूथ का शेयर है इंटरनेशनल माइग्रेंट के वर्कर्स के अंदर वो भी ज़्यादा बढ़ गया है, और इंक्रीज़ हुआ है 10% से 2019 के कंपेयर में, क्योंकि 2019 के अंदर 10% जो कि 2017 में 8.3% था। यूरोप, सेंट्रल एशिया और अमेरिका ये 63.3% है माइग्रेंट वर्कर्स को, सभी माइग्रेंट वर्कर्स को होस्ट करते हैं। फिर हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। एक बुक का टाइटल दिया गया है नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ द गांधीज असैसिनेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये 2022 के अंदर पब्लिश की जाएगी, तो इसके बारे में बताना है हमें। हमारे ऑप्शंस हैं धवल कुलकर्णी, पैन मैकमिलन, आर के नारायण या फिर अनिता देसाई। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।